पूरी हालत ख़राब है एसी फिल्टर की, मतलब क्या हालत हो गई देखो तो ये। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों रेनल्ट की क्विड जो गाड़ी होती है उसकी सर्विस हमें हर 10,000 किलोमीटर बाद या फिर 1 साल बाद, जो भी पहले हो 1 साल या 10,000 किलोमीटर उस पीरियड में करनी पड़ती है। तो ये जो जनरल सर्विस है या फिर पीरियडिक सर्विस है इसमें क्या क्या होता है, एकदम ईजी होता है, कुछ बात नहीं, आप खुद घर में कर सकते हो। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह हम इसकी जनरल सर्विस या फिर पीरियडिक सर्विस है ये करते हैं, ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसका राइट साइड का व्हील हमने निकाल दिया, ठीक है, राइट साइड का व्हील निकाल देते हो तो ये देखो ये इसका ऑयल का चैम्बर दिखता है, पूरा फाइबर का चैम्बर आता है इसमें और एकदम ईजी होती है। सबसे ईजी सर्विस है वो क्विट की होती है, क्योंकि इसमें कुछ मतलब आपको स्पैनर नहीं लगता ऑयल छोड़ने को, ठीक है। ये देखो ये इस तरह की कैप होती है, ये थोड़ी ज़ोर से आप घुमाते हो ना या फिर पकड़ की मदद से घुमाते रहो ना तो ये कैप आ जाती है, ऑयल भी पूरा बाहर आ जाता है। ये देखो एकदम ईजी है, ये सिर्फ फाइबर की कैप है, बाकी गाड़ी में क्या ये रहता है उसमें, ये देखो ये लॉक होता है सिर्फ एक, और इस तरह आपको कैप घुमा के हटानी है। ये देखो ये सिर्फ कैप हटानी है, देखो ये इस तरह की कैप होती है देखो। तो इतना ईजी होता है क्विट का सर्विस है, एकदम ईजी है, क्योंकि कुछ आपको बोल्ट निकालना नहीं पड़ता, ड्रेन बोल्ट ज़्यादा टाइट हो स्लिप हो उसका डर नहीं रहता, कुछ नहीं, टेंशन फ्री है एकदम, कोई भी कर सकता है इसकी सर्विस, ठीक है। ऑयल जाने देते हैं, तब तक इसका ऑयल फिल्टर है वो निकालेंगे। चैम्बर के आगे के साइड, चैम्बर और हमारा जो रेडिएटर होता है ना उसके बीच में ये देखो ये छोटा सा इधर ऑयल फिल्टर लगा है, तो उसको निकालना पड़ता है, तो उसके लिए टूल लगता है। ये देखो ये ऑयल फिल्टर का स्पेशल टूल, यूनिवर्सल टूल आता है, उससे भी निकाल सकते हो। ये देखो ये टूल मैंने लगाया और रैचेट की मदद से इसको लूज करूँगा। ये भी ज़्यादा टाइट नहीं होता, आप हाथ से भी इसको चाहिए तो निकाल सकते हो हाथ और कपड़े की मदद से, ठीक है। तो ये देखो ये इस तरह घुमा के आपको ये निकालना होता है। ये देखो ये घुमाया मैंने, अब थोड़ा भी हाथ से घुमाऊँगा, इसमें भी थोड़ा ऑयल होता है, इसको गिरने देते हैं। ये देखो इसमें भी ऑयल जब गिर जाएगा ना तो पूरा घुमा के मैं इसको निकाल दूँगा। देखो पूरा ऑयल गिर गया, अभी ये जो फिल्टर है ये एकदम ईजीली इस तरह एंटी क्लॉक वाइज घुमा के निकाल सकते हो आप। ये देखो ये देखो फिल्टर आ गया है और ऑयल जो भी है मैंने इसमें डाल दिया पूरा फिल्टर का वगैरह। तो इस कार में लगने वाली जितनी भी चीज़ें ये हमने बुड़मू से मंगाई है, जैसे कि हमारा एयर फिल्टर हो गया, एसी का फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया और हमारा इंजन ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें हमने बुड़मू से मंगाई और प्योर जेन्युइन चीज़ें है सारी। बुड़मू एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आप कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगाया है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं और डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। तो बुड़मू काफ़ी कमाल का ऐप है, इस पर ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि मैंने जैसे मंगाया रेनॉल्ट का ओरिजिनल, वैसे ओरिजिनल स्पेयर पार्ट चाहिए तो ओरिजिनल भी मिल जाते हैं, कुछ आफ्टर मार्केट अच्छी अच्छी कंपनियाँ होती है उनके भी स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं, वही स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो भी स्पेयर पार्ट आपको बुड़मू पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस ऐप की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे है, इनकी वेबसाइट है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये देखो नया ऑयल फिल्टर मैं लगा रहा हूँ, उसकी ओरिंग है उसमें थोड़ा सा मैंने नया वाला ऑयल लगा दिया है, ये देख सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको घुमा के आपको लगाना है, ये देखो एकदम ईजीली ऐसा घूमना चाहिए और ये देखो एकदम प्रॉपरली लग जाता है, ये देखो गया ऊपर तक और अभी इसको टाइट कर लूँगा, ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से टाइट करना है। ये देखो ये हो रहा है, एकदम ओवर टाइट भी नहीं करना है, ये देखो ये टाइट हो गया, ठीक है एकदम प्रॉपर टाइट हो गया, ठीक है। थोड़ा और हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है एकदम हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा मतलब खींच के ज़्यादा टाइट नहीं करना है। देखो ये ड्रेन की कैप है, ये मैंने अच्छे से क्लीन की और सिर्फ ये ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो लग जाती है, लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़नी इसको, पक्कड़ से एक बार टक ऐसा आवाज़ आता है, लॉक बैठता है इसमें। ये देखो अभी आवाज़ सुनाओ, ये देखो अभी बैठ गई, ये ऐसे
बराबर मतलब 180 डिग्री होनी चाहिए हमारी ज़मीन को। तो अभी बैठ गई, इधर लॉग भी दिखता है, मैं लॉग दिखाता हूँ आपको, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये देखो इधर लॉक है, ये देखो ये लॉक इसके नीचे आनी चाहिए, ऊपर रहती है तो गिर सकती है और हर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये नीचे आनी चाहिए, अब ये देखो ये इस पोजीशन में बैठनी चाहिए, अभी तो प्रॉपर बैठ गई। अभी इसका एयर फिल्टर बदलना भी एकदम आसान काम है, ये देखो ये दोनों कैप निकालोगे आप और ये पाइप इधर से निकालोगे ना, ये देखो ये पूरा बाहर आ जाता है और इसमें एयर फिल्टर है। तो एयर फिल्टर की आप हालत देख सकते हो, और ये नया वाला दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो नया वाला एकदम क्लीन, एकदम चकाचक है। ये देखो इसको इस तरह रखेंगे, और नीचे देखो नीचे तीन लॉक है, ये देखो ये लॉक इसके अंदर जाने चाहिए। एक्चुअली कैमरा में दिखता नहीं है, ठीक है, देखो गए थे फिर बाहर आ गए, ये देखो ये गए, ये दोनों लॉक बैठ गए, और इधर देखो ये इधर प्रॉपर बैठना चाहिए, ये देखो नहीं बैठते तो इधर गैप ज़्यादा दिखती है आपको। अभी ये जो पाइप है ये भी लगा देता हूँ, ठीक है, ये पाइप भी हमारा लग गया। तो इधर एक देखो येलो कलर की कैप मिलती है, ठीक है, वो खोलनी है, उसमें ही गेज रहता है ऑयल लेवल चेक करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने पूरा ऑयल छोड़ दिया है, उसके बाद जो ड्रेन प्लग है वो लगा दिया, फिल्टर लगा दिया, अभी हम ऑयल डालेंगे। तो इसमें 2.5 लीटर 15W40 जो ग्रेड आती है वो ग्रेड का ऑयल बैठता है इसमें, ठीक है। तो अभी हम ऑयल डालेंगे, ये देखो, ठीक है, लगभग 2.5 लीटर ऑयल हमें डालना पड़ता है, ठीक है, मैं 2.5 लीटर बराबर ऑयल डालता हूँ और प्रॉपर लेवल होने देता हूँ। देखो गेज पर ये मिनिमम और ये मैक्सिमम लेवल है, अभी देखो प्रॉपरली ऑयल मैक्सिमम लेवल तक है, मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि ऑयल नया है तो एकदम ट्रांसपेरेंट है, एकदम प्रॉपरली नहीं दिखेगा। ये देखो यहाँ तक इसके थोड़े से ऊपर ही है क्योंकि फिल्टर हमारा एम्प्टी है, थोड़ा सा ऊपर रखा है। अभी क्या है, चालू करने के बाद थोड़ी देर बाद ऐसे बंद रखने के बाद मैं देखूँगा कि प्रॉपर है या नहीं, अगर कम है तो टॉप अप करूँगा। तो ये मैक्सिमम लेवल है, यहाँ तक होनी चाहिए और इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में रखनी है, तो मैक्सिमम ही रखनी है, ठीक है, मैक्सिमम रखते हो तो अच्छा है। तो अभी ऑयल की लेवल भी प्रॉपर हो गई है हमारी। तो अभी सिर्फ इसका एसी का फिल्टर बदलना बाकी है, तो थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, इसको इस तरह की पट्टी लगी होती है, इधर प्रेस करके खींचनी होती है, और उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ये एसी का फिल्टर है, ये थोड़ा अंदर चला गया है, तो पकड़ की मदद से मुझे इसको निकालना पड़ेगा। ये मुझे लगता है काफ़ी दिन तक बदला नहीं था इसको, ये देखो काफ़ी गंदा हो गया, ये देखो पूरी हालत ख़राब है एसी फिल्टर की, मतलब क्या हालत हो गई देखो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है सर्विस में बदलना, ठीक है। तो ये मतलब मुझे लगता है गाड़ी लेने के बाद कभी भी इसको बदला नहीं गया और कभी भी क्लीन भी नहीं किया गया, ठीक है, तो इसको बदलना पड़ता है, नहीं तो क्या बैक्टीरियाज वगैरह इसमें बहुत रहते हैं, तो मतलब एसी एकदम प्रॉपरली प्योर एयर नहीं दे पाता, तो इसके लिए और फ्लो भी ये इसका बर्न हो जाता है, तो इसके लिए ये फिल्टर बदलना ज़रूरी है। ये देखो ये अभी इसका जेन्युइन फिल्टर है, तो ये मैं इस जगह लगाऊंगा। तो अभी देखो ये फिल्टर डालते समय ज़रा भी डैमेज नहीं करना है, और ये देखो एयर फ्लो लिखा है ना, ये इस तरह है, मतलब ऐसा रखना है, ये देखो ऐसा नीचे ढकेलना है, और ये देखो ये खींचने के लिए दिया हुआ है, ये थोड़ा बाहर ही रखना है उधर, ठीक है, तो निकालने में आसानी होती है, पहला अंदर चला गया था तो इसके लिए हमें नोज प्लायर से निकालना पड़ा, ठीक है। तो ये अभी निकाल लगा देता हूँ मैं, और कैप भी लगा देता हूँ क्योंकि अंदर मतलब झुक के पूरा करना पड़ता है, तो कैमरा पकड़ना मुश्किल है उधर। ये देखो फिल्टर एकदम प्रॉपरली लग गया, ये देखो इस तरीके से लगाना है, और इसके ऊपर ये देखो ये कैप आती है, इसके लॉक इस तरह बैठेंगे और ये इस तरह जाएगा अंदर, ठीक है, इधर से लॉक हो जाएगा। ये देखो ये प्रॉपरली हमारा एसी का फिल्टर है या फिर केबिन फिल्टर है, ये लग गया। तो इतना हो जाने के बाद ये जो इसकी जनरल सर्विस है वो कंप्लीट होती है। इसके अलावा और कुछ कंप्लेंट है जैसे कि ब्रेक कॉर्नर्स आ रहे हैं, ब्रेक पैड ख़त्म हो गए हैं,
तो वो सब चेक करना पड़ता है। ब्रेक पैड वगैरह चेक करना एकदम आसान होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखो, ये ब्रेक पैड ऐसे आप चेक कर सकते हो। ये देखो, इसका थिकनेस है अभी लगभग 40-50% है, तो ब्रेक पैड वगैरह बदलने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी किधर कस्टमर कंप्लेंट है, कोई आवाज़ वगैरह आ रहा है, तो वो चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जनरल सर्विस है, ये कंप्लीट हो गई। इसके अलावा कुछ मतलब ऐसे कंप्लेंट नहीं थी, सिर्फ जनरल सर्विस करनी थी इसकी। तो अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, इग्निशन ऑन किया मैंने, ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई। और इसका रनिंग देखो 1,33,300 हो गया है। ठीक है, तो चालू करने के बाद भी आपको चेक करना है, नीचे से कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, ऑयल लीक तो नहीं हो रहा, ये सब चेक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लीकेज वगैरह का ऐसा कोई किधर भी नहीं है। ठीक है, तो हमारी जनरल सर्विस है ये एकदम प्रॉपर हो गई। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए।